राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने दिल्ली के सभी विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीलमपुर विधानसभा के मौजपुर वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, अग्निपथ योजना देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश है। एक तरह से ये बीजेपी सरकार सेना को भी ठेकेदारी में लाने की साजिश में है। सेना में हर युवा देश के लिए सेवा का जुनून लेकर भर्ती होता है, न कि पैसे कमाने के लिए। पूरे देश में रखा गया है, पूरे देश की हर विधानसभा के अंदर रखा गया है। राहुल गांधी जी का आदेश था कि किस नीति का विरोध करना है, जो बीती भारत सरकार भाजपा सरकार लेकर आई है उसका विरोध करना है। क्योंकि अग्निपथ जो योजना है, चार साल बाद जो सैनिक आज तैयारी कर रहा था पिछले दो साल से सेना में जाने की, और उसे अब ये बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करता है। हम सोते इसलिए सुकून से हैं कि सैनिक हमारा सीना ठोक के बॉर्डर पर खड़ा होता है। अब उसे बॉर्डर भी इस बात की टेंशन होती है कि तीन साल बाद मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके घर में बहन की शादी होगी नहीं होगी, 50 दिक्कतें हैं। अगर घर में चार बेटे होते हैं, तीन पर नौकरी होती है, अगर एक बेरोजगार होता है तो भी पूरा घर दुखी रहता है कि इसकी नौकरी का क्या होगा। तो जब तीन नौकरियों के बाद ये हाल है तो ये तो पूरा परिवार ही एक नौकरी के ऊपर आश्रित होता है। सेना के साथ ये काम नहीं होने दिया जाएगा पूरे मुल्क का। आज ये सत्याग्रह पूरे देश में हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है। राहुल जी के निर्देश पर जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर भर्ती की योजना है, उसके खिलाफ पूरे देश में। अच्छा सर, क्या कहना है? और जिस तरीके से ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया था, आप लोगों ने काफ़ी वहाँ पे प्रदर्शन भी किया था, क्या कहते हैं सर इस बारे में? देखिए, जो भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी नारकोटिक्स हो, सारी संस्थाएं उनके कब्जे में है। कब्जे में सरकार के होती है लेकिन वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। जो भी विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी में बोलने वाले लोग हैं, उन पर वो ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको चुप करने के लिए सारे काम हो रहे हैं। लेकिन राहुल जी न डरे थे न डरेंगे। जिस तरह किसान बिल वापस लिया, उसी तरह अग्निपथ योजना भी वापस लेनी पड़ेगी। जब तक ये बिल वापस नहीं होता, कांग्रेस सत्याग्रह करती रहेगी। दिल्ली से राकेश चावला की रिपोर्ट। खबरों की डोज़ नवदीप टुडे पर हर रोज़।